वेलकम बैक टू चैनल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे अगर अर्थ का सेवेंटी परसेंट ओशंस कवर करते हैं वैसे ही ज्योग्राफी में जो है ओशंस की इम्पोर्टेंस भी इतनी ही है आज हम बात करेंगे ओशंस की जो कवर करते हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस अगर ये पूरी अर्थ है तो इसमें से सेवेंटी परसेंट जो पोर्शन है अर्थ का वो कवर करते हैं हमारे ओशन्स जिनके बीच में मेजर जो ओशन्स हैं वो हैं अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ हमारे पास है पैसिफिक ओशन उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ही अगर हम ईस्ट में देखें तो यहाँ हमारे पास है अटलांटिक ओशन और डायरेक्ट इंडियन के नीचे हमें मिलेगा इंडियन ओशन अब इसके अलावा हमारे पास दो और ओशंस आते हैं जो कि हैं आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशन जो कि बहुत ज्यादा फ्रीज्ड हैं बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट जितना भी वाटर कंटेंट है या वाटर प्रेजेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है द एयर वी ब्रीद तो एयर से हमें फर्स्ट जो हमारे एक सर्वाइवल किट है वो है ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन वी कॉन्ट सर्वाइव तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड में वो है हमारे ओशंस तो अब ये ओशंस कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि जो ओशंस हैं वो वाटर बॉडीज हैं तो वाटर से ओटू जो कंटेंट है वो कैसे आएगा तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए ऑक्सीजन लेकिन प्लांट्स को उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है सीओ टू जो हम रिलीज करते हैं अगर हम बात करें लैंड और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की तो अगर हमारे पास सेवेंटी परसेंट ओशंस हैं तो सिर्फ थर्टी परसेंट हमारे पास लैंड सरफेस है तो आप अगर सिर्फ थर्टी परसेंट एरिया पे जितने भी ट्रीज प्लांट कर लो लेकिन जो सेवेंटी परसेंट ओशंस के प्लांट्स हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे एस कम्पेयर टू द लैंड्स वेजिटेशन भी ओशनिक प्लांट्स हैं या मरीन वेजिटेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस वहां पर भी होता है जो कि लैंड पर होता है जिसके बीच में उनको क्या चाहिए एच टू मीन्स वाटर सीओ टू एंड लाइट इससे वो अपना फूड जनरेट करते हैं लेकिन इनमें से ये हम अगर रिलीज कर रहे हैं लेकिन इसका जो आउटकम आएगा वो आएगा ओ टू जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा ओशन से और ओशन को हमसे क्या मिल जाएगा CO2 टू क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को उनके सर्वाइवल के लिए उनको फूड जनरेशन के लिए क्या चाहिए सीओ टू सो दैट्स वाई दे ऑब्जर्व फिफ्टी टाइम्स मोर सीन द एटमोसफेयर एट रेगुलेशन अगर विंडस जो हैं अगर ये हमारा हाई प्रेशर एरिया है जो ओशंस का है तो यूजली जो प्रेशर है जो विंड सर्कुलेशन है वो हाई टू लो प्रेशर होती है अगर यहाँ ओशंस है और यहाँ लैंड है यहाँ लो टेम्परेचर है लो प्रेशर का क्या मीनिंग है टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा हाई ओशंस पर जब डायरेक्ट सनरेज पड़ेगी तो एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा दैट इज नोन एज इवेपोरेशन जिसकी वजह से यहाँ जो एयर मास होगा उसमें क्या हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट या जो वॉटर वेपर्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे ड्यू टू इवेपोरेशन और ये अब ट्रेवल करेंगे विद एयर मास अब वो एयर मास कहाँ ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा ओशन टू लैंड तो लैंड पे जब हमारे पास मॉइस्चर हो जाएगा तो कोई भी बैरियर अगर ये ओशनिक वेव्स ओशनिक एयर सर्कुलेशन आ रहा है एयर मासेज आ रहे हैं और जैसे ही इनको कोई लैंड पर बैरियर मिलेगा ये यहीं पर ही क्लाउड फॉर्म करके जो है रेन कर देंगे प्रेसिपिटेशन कर देंगे तो रेगुलेटिंग और क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न जितने ट्रांसपोर्टेशन लैंड और एयरवेज के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक वेज है टू टूर गुड्स एंड सर्विसेज वो आता है हमारे पास वाटरवेज अगर हम कोस्टल रीजन की बात करें तो ये अगर हमारे पास सारा लैंड एरिया है तो ये जितना भी रिमेनिंग एरिया हमारे पास बचता है ये सब वाटर है अगर ये सारा अब वाटरवेज है तो अगर जिसको भी अमेरिका से यूरोप जाना होगा तो उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं या तो वो एयरवेज से जाए या वो वाटरवेज से जाए तो वाटरवेज जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज तो उसके लिए ये कमर्शियल शिप्स यूज करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और जहाँ भर भी कोस्ट पर कोई ना कोई हार्बर होगा जहाँ से ये सारे ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज होते हैं पोर्ट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उस सिटी के लिए या उस कंट्री के लिए और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो हैं वो सारी इसी पोर्ट रीजन के आसपास आपको मिलेगी अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ की तो यहाँ आपको चाइना में मिल जाएगा शंघाई इंडिया में आपको यहाँ मिल जाएगा मुंबई मुंबई के बाद यहाँ वेस्ट बंगाल में मिलेगा आपको पोर्ट उसके बाद यहाँ आपको आ जाएगा सिंगापुर तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रीजन्स है अगर हम बात करें इंडिया में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये और ऐसी बहुत से कोस्टल कंट्रीज हैं जो बहुत रिच हैं या बहुत डेवलप्ड हैं ड्यू टू दिस वाटरवेज एंड देयर कनेक्टिविटी विद द अदर कंट्रीज क्रिएशन रिक्रिएशन में कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि टूरिज्म से रिलेटेड हो या किसी की एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो तो रिक्रिएशन में क्या हो जाएगा फिशिंग जो कि एक एक्टिविटी है फिशिंग एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती है जिसके अंदर आप फिशिंग करते हो मर्शियल पर्पस के लिए भी हो सकता है या पर्सनल अगर आप किसी एक कोस्टल रीजन में रहते हो तो दैट कैन बी अ पर्सनल रीजन आप फिशिंग करो अपने के लिए लेकिन अगर usually आपने देखा होगा जो भी कोस्टल एक है जहां पर बीचेस मिलेंगे वहां पर बहुत ज्यादा आज के टाइम में देखा जाए तो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है वाटर स्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हो रहे हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि वो वहां पर शॉप्स लगाकर या कुछ भी फूड स्टॉल्स लगाकर वो अपनी जो एक लाइवलीहुड है वो उस पर सर्वाइव कर पा रहे हैं गोवा की मुंबई की तो ये सारे जो कोस्टल हैं यहाँ पर टूरिज़म बहुत ज़्यादा है टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो ब्लू टूरिज़म रिलेटेड है वाटर के ब्लू वाटर तो ये जो स्कूबा डाइविंग फिशिंग एंड अदर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को जिसकी वजह से जो कोस्टल रीज़न्स है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ओशन का और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेक बेनिफिट्स तो अगर हम ओशन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो एम्प्लॉइंग अराउंड थ्री मिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड तो अगर हम बात करें सिक्सटी सिक्स परसेंट जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रहती है विद इन हंड्रेड किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट लाइन्स ये हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं तो इन सेवन कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है जो कोस्टल एरिया में रहती है वो 66 है ऑफ द टोटल जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल रीज़न्स में ही मिलती है बात करें शेल्स की या कोई भी ऐसे स्टोन्स की जो सिर्फ हमें ओशन से मिलते हैं उनकी वैल्यू भी बहुत हाई है और उनकी मार्केट में डिमांड और बहुत हाई है जिसकी वजह से ट्रैक्शन बहुत ज्यादा लेवल पे किया जाता है इस तो जो उसके नीचे जो सबसे लोअर उसका जो ओशन का अगर ये टॉप है ये सरफेस है ओशनिक सरफेस तो एक जो ओशन का बॉटम है वो कभी स्ट्रेट नहीं होता और जो ओशन का बॉटम है उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन डीप है जहां तक लाइट भी प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती और फिर भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो है हमारे लिए और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन फ्लोर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स या रिसोर्सेज जो हैं हमें मिलते हैं इंक्लूडिंग नेचुरल गैस एंड कोस्टल रीजन में या कोस्टल जो हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्स हैं उस पर मिलते हैं कौन जैसे ये आपका कॉन्टिनेंट है या आपका लैंड एरिया है वो डायरेक्ट ओशन में जाके खत्म नहीं हो जाता ये जो शेल्फ रहेगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तो जैसे ही लैंड और वाटर मिलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि लैंड वहाँ खत्म हो गया लैंड की जो है एक जेंटल स्लोप वाटर के अंडर भी रहती है जिसको हम बोलते हैं भी मैक्सिमम ऑयल रिजर्व हैं वो सारे के सारे हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलते हैं फिशेस एंड अदर मरीन एनिमल्स तो जितना भी हम प्रॉन्स हो गए फिशेस हो गई वैरायटी ऑफ फिशेस हमें मिल जाती हैं जो कि कोस्टल रीजन्स में जितने भी कोस्टल रीजन्स है वहाँ के लोगों की सर्वाइवल के लिए फिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका एक तरह से स्टेबल फूड वही है उसके बिना वो नहीं रह सकते ज्यादा फिशिंग जो ग्राउंड हैं वो हमेशा वहां वॉर्म एंड कोल्ड वाटर आपस में मिलते होंगे जहां पर भी वॉल्ड कोल्ड वाटर मिलेंगे वहां पे सबसे ज्यादा फिशिंग ग्राउंड्स वर्ल्ड के पाए जाएंगे सबसे ज्यादा फिशिज जो होंगी वो उसी रीजन में सर्वाइव करेंगी मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है थ्रू प्लांट्स एंड अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स जिनसे हम बाय एक्सट्रैक्टिंग द एक्चुअल यूज ऑफ सारे ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ओशंस डेट इज एंड मैनी अदर डिसीजेज द वाटर साइकिल तो अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक वाटर बॉडी एक लैंड एरिया और यहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा कंडेंस होगा और यहाँ पर रेन होगी तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो हर बच्चे ने शुरू से पढ़ा होगा बट ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो बहुत ईजीली हम नहीं बता सकते बट नाइन्टी सेवन परसेंट जो वाटर है वो ओशंस होल्ड करते हैं ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन तो जितने भी रेन होंगे स्लीट्स होंगी या हमारी स्नो होगी वो रीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग होगी बट जो मेन रीजन ऑपोरेशन तो अगर ये हमारे पास वाटर बॉडी थी जहाँ से हम इवेपोरेशन की बात करते थे तो ग्लोबली सेवेंटी परसेंट जो ओशनस हैं वर्ल्ड में अर्थ का लैंड सरफेस कवर करते हैं वो रीजन होंगे 78% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन तो इसके अलावा 20 होगी वो सिर्फ तो इंडिया की अगर हम बात करें इधर है हमारे पास अरेबियन सी और इधर है हमारे पास बंगाल तो समर्स में क्या होता है अरेबियन सी से जितना मॉइस्चर है वो हमारे नदन प्लेन में नदर ग्रेट हिमालयस हैं या नदन प्लेन्स हैं यहाँ पर जो है वो रेन करेंगे उसके बाद जो विंटर्स है विंटर्स में बंगाल से जो है वो मॉइस्चर करेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू